मान लो तुम्हारी बीवी को भूत पकड़ ले तो तुम क्या करोगे? बोले मैं क्या करूंगा, भुगते का भूत उसने पकड़ा है। बेगम के चाहने वालों के नाम बढ़ गए, हम जब भी मिलते हैं लाइट चली जाती है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। से प्यार से बोल दीजिए वाह भाई वाह। भाई जिंदगी बड़ी खूबसूरत चीज है और उसे खूबसूरती से बिताना भी चाहिए। वो जिंदगी क्या जो खूबसूरती से न बीते, और जिंदगी खूबसूरती से बिताने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जिंदगी के गमों को दूर भगाते रहें और मुश्किलों से पीछा छुड़ाते रहें और खुलूस को गले लगाते रहें। ये जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है। अब क्या किया जाए साहब? लेकिन कुछ लोग मानते नहीं, ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। जैसे एक साहब से किसी दूसरे साहब ने पूछा, ऐसे कई लोग ऐसे सवाल करते हैं ना, सवालों का क्या है? जैसे रात को हमारी बीबी उठा के पूछती है, 2:30 बजे सो गए क्या? 2:30 बजे 2:31 भी नहीं 2:29 भी नहीं सो गए क्या? नहीं, कोमा में था, अच्छा हुआ तूने जिंदा कर दिया। करते हैं ना सवाल। तो एक साहब ने दूसरे साहब से पूछ लिया, बताओ बात कर रहे थे दोनों, यार एक बात बताओ, पहले का जब मुंह में भरा हुआ है तो दूसरा क्यों बना रहा है? प्लानिंग। इसे थूकना भी तो है, तो थूक के यार एक बात बताओ। मान लो तुम्हारी बीवी को भूत पकड़ ले तो तुम क्या करोगे? वापस बोल। मान लो तुम्हारी बीवी को भूत पकड़ ले तो तुम क्या करोगे? बोले मैं क्या करूंगा, भुगते का भूत उसने पकड़ा है। बीवियों से भूत भी भागते हैं, खास तौर पे हिंदुस्तान में। जैसे आप पूरी दुनिया उठा के देख लीजिए, पूरी दुनिया में रात को मियां बीबी जब सोते हैं तो उनके बीच होने वाली जो सबसे संक्षिप्त छोटी सी बातचीत होती है वो पूरी दुनिया में अलग अलग होती है। जैसे अमेरिका में मियां बीबी सो रहे हो तो बहुत छोटी सी बात होती है, डार्लिंग आई लव यू टू हनी, छोटी सी बात, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। दुनिया के लगभग हर देश में, ठीक है, मान लीजिए इंग्लैंड हो तो थोड़ा उसमें कामकाजी प्रवृत्ति है तो वो भी आ जाएगा, डार्लिंग आई एम स्लीपिंग वेक मी अप एट 5, हाँ मैं सो रहा हूँ, मुझे सुबह 5 बजे जरूर उठा देना। श्योर 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 हनी आई विल छोटी सी बातचीत। हिंदुस्तान में मियां बीवी जब सोते हैं संक्षिप्त तो छोटी सी बातचीत जो एक उधर खिसक में भी गिर जाऊंगा नहीं तो हानि तो सारा जीवन इसी में निकल जाता है। कितनी अच्छी बात है ना, कितना ख्याल रखते हैं हम एक दूसरे का, ये होना चाहिए जिंदगी में। और हमारे साथ कुछ ऐसे लोग बैठे जो आपका ख्याल रखते हैं, आपका ख्याल यूं रखते हैं कि वो आपके लबों पे तबस्सुम लेके आते हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आते हैं, कुछ ऐसा सुनाते हैं कि सारी दुनिया उनके लिए कहती है वाह भाई वाह। तो ये चारों हमारे साथ बैठे हैं जिनमें से एक ऐसे हैं जिन्हें बाल पकड़ के कोई नहीं पीट सकता। ये है बंसीधर मिश्रा जो अकल तला छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आते हैं। स्वागत करते हैं बंसीधर का। इसे मगरमच्छ को खिला दो, शक्ल मिलती है कि नहीं मिलती है? ये थोड़ा सा चूल्हे में जला हुआ शाकाल लेकिन है जरूर हमारे बीच में, बंसीधर मिश्रा हमारे बीच में। मुझे बहुत खुशी इस बात की का 3 लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो पहली बार वाह भाई वाह में आ रहे हैं, और जब कोई प्रतिभा पहली बार आती है तो मतलब मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता। और मोनिका हाटीला जो कुछ गुजरात से हमारे बीच में आती है, मूलतः मध्य प्रदेश सीहोर की रहने वाली है और बहुत खूबसूरत गीत और गजलें पढ़ती है। हम स्वागत करते हैं मोनिका हाटीला का हमारे बीच में।
चला ने कुछ नहीं प्राप्त कर रखा है, तुझे बैलेंस करने के लिए इसने बढ़िया टोपी लगा रखी है, नेपाली टोपी। ये है लक्ष्मण नेपाली, जो भोपाल के पास सांची जो बड़ा प्रसिद्ध है अपने स्तूप के लिए, वहां से हमारे बीच में आते हैं। हम स्वागत करते हैं लक्ष्मण नेपाली का। और इन दिनों के साथ अमनदीप सिंह, जो रहने वाले तो मूलतः पटना के हैं और कभी दिल्ली रहते हैं, लेकिन इन दिनों लुधियाना में हैं और बड़े खास अंदाज से अपनी कविताएं करते हैं। हम स्वागत करते हैं अमनदीप सिंह का। भाई महफिल की शुरुआत करते हैं, और महफिल की शुरुआत उस आदमी से की जानी चाहिए जो आपको ठाकुर के सागर में डूबने को मजबूर कर देगा, बिल्कुल मजबूर कर देगा। मैं बुलाना चाहता हूं लक्ष्मण नेपाली को जोरदार तालियों के साथ। नमस्ते नमस्ते भैया, प्रणाम प्रणाम। बधाई देता हूँ भैया आपको। अच्छा, आप सबको बधाई देता हूँ। क्या पूरी दुनिया में राज कर रखा है, शो की टीआरपी बढ़ गई। शैलेश भाई के पास फोन आ गया, बोले शो बहुत ऊपर जा रहा है, अब किसी बड़े इंटरनेशनल कवि को बुलाओ। तो शैलेश भाई ने मुझे बुला लिया। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, पूरी स्थिति बदल गई पूरी जी, सच बता रहा हूँ। कोरोना काल के बाद तो इतनी स्थिति बदल गई, वो कुत्ते टेंशन में आ गए, पूरा मार्केट बंद, कुत्ते टेंशन में आ गए। ऐसा ना हो नगर पालिका वाले आदमियों को ले गए हों। मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब, क्या स्थिति। मैंने तो मैंने अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया, आप अभी पत्नी की बात कर रहे थे। मेरी पत्नी तो आप बिल्कुल समझ लो बिल्कुल सीधी है, रमन का कमाल करती है ना। तू कभी अच्छी बेटी सिद्ध हुई, कभी ना अच्छी बहू सिद्ध हुई, कभी ना अच्छी पत्नी सिद्ध हुई। बोली टेंशन मत करो, अच्छी विधवा सिद्ध होके दिखाऊंगा। मैं सच बता रहा हूँ। बहुत अच्छे लक्ष्मण। इतनी टीआरपी बढ़ गई भाई साहब, जिधर जाओ आनंद की मस्ती में आ जाओ। के बेगम के चाहने वालों के नाम बढ़ गए, के बेगम के चाहने वालों के नाम बढ़ गए। पहले खत अब एसएमएस के पैगाम बढ़ गए, के बेगम के चाहने वालों के नाम बढ़ गए। पहले खत अब एसएमएस के पैगाम बढ़ गए, के पड़ोसी अब बीवी को गाड़ी पे घुमाएगा नहीं, शुक्र है पेट्रोल के दाम बढ़ गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लक्ष्मण। इसके साथ परेशानी भी सलेश भैया, मैं तो ये कहता हूँ कि जिंदगी में बस यही गम है दोस्तों, कि जिंदगी में बस यही गम है दोस्तों, बड़ी जालिम हमारी बेगम है दोस्तों। हाय हाय, कि जिंदगी में बस यही गम है दोस्तों, कि जिंदगी में बस यही गम है दोस्तों, बड़ी जालिम हमारी बेगम है दोस्तों। पीठ पर आ गए उंगलियों के निशान, पीठ पर आ गए उंगलियों के निशान, देखने में हाथ बड़े नरम है दोस्तों। मेरी बहुत खतरनाक स्थिति है, ऐसी स्थिति गड़बड़ हो गई। लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूँ, इस कोरोना काल ने जो लड़कियों को कष्ट दिया किसी को नहीं दिया। भगवान कसम, तीन तीन बॉयफ्रेंड बदल लिए लेकिन कोई रिचार्ज नहीं करवा पाया। सारी सुविधाएं चल रही, प्रेम से चलना चाहिए, जीवन प्रेम का नाम है। जिधर से प्रेम प्रारंभ होता वहीं से होना चाहिए। तब मैं कहता हूँ यहाँ से, प्रेम के बारे में बहुत बारीक बात कही मैंने जी, इतनी बारीक बात कही है कि तुम्हें तो समझ में नहीं आएगी बंसी भाई। भगवान कसम, आपने आज इतनी बढ़िया ड्रेस पहनी, ऐसा लग रहा है आजकल अभी अभी मेंढक खा के आया है। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ यहाँ से। जब भी बुलाते हैं वक्त पे चली आती है, जब भी बुलाते हैं वक्त पे चली आती है, उसका कुछ नहीं जाता, इंतजार की लज्जत चली जाती है। आए हाए, कि जब भी बुलाते हैं वक्त पे चली जाती है। अच्छी बात है लक्ष्मण, कि जब भी बुलाते हैं वक्त पे लज्जत चली जाती है, जब भी बुलाओ वक्त पे चली आती है। अरे उसका कुछ नहीं जाता, इंतजार की लज्जत चली जाती है, कि हुकूमत ही चाहती है कुछ गड़बड़ हो, हम जब भी मिलते हैं लाइट चली जाती है। तुम पड़ोसन से नजरें मिलाओ, वाह भाई वाह, तुम पड़ोसन से नजरें मिलाओ, वाह भाई वाह, और अपनी बीबी सबसे छुपाओ, वाह भाई वाह, भाई वाह। बहुत सुंदर लग रहा है आप, शैलेश भाई आई लव यू।
जा रहा हूँ, चार पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ मस्ती के आनंद में रहना। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, ऐसी चार पंक्तियाँ आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। बात सुनना और लड़के मेरा समर्थन करना ईमानदारी के साथ कि उसकी आंखें भूल भुलैया, सच कहता हूँ कि उसकी आंखें भूल भुलैया, सच कहता हूँ। अब समझ में आई कि उसकी आंखें भूल भुलैया, सच कहता हूँ। बात बात पे कहती है दैया, सच कहता हूँ। और वो लगती है 2000 का नोट गुलाबी, वो लगती है 2000 का नोट गुलाबी। अरे टेप लगा मैं 5 रुपया, सच कहता हूँ। हम छोरों का तो दर्द ये है। हाँ। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ यहाँ से कि रहो खामोश फिर भी तेवर बोल देते हैं। वाह वाह। रहो खामोश फिर भी तेवर बोल देते हैं। मायके के हैं या ससुराल के जेवर बोल देते हैं। वाह वाह। रहो खामोश फिर भी तेवर बोल देते हैं। मायके के हैं या ससुराल के जेवर बोल देते हैं। और जिससे कहना है कभी कह नहीं पाते, वो बात भी भाभी से देवर बोल देते हैं। बहुत बढ़िया लक्ष्मण। क्या बात है, पहली बार तुम आए और इस कदर मोहब्बत तुमने पाई, मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए। अद्भुत काम किया है तुमने, और ऐसा ही करते रहो, बस इसी अंदाज से और इसी मोहब्बत से और इसी जोश के साथ पढ़ते रहो। क्या बात है। और तुम बहर में भी कहते हो, ये बहुत अच्छी बात है, तुम बहर से खारिज नहीं होते हो, ये बहुत बढ़िया बात है। और यही रहना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि अच्छी बातें अच्छे ढंग से कही जाए तो अच्छे ढंग से सुनी भी जाती है। क्योंकि वसीम बरेलवी साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, वो कहते हैं कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। लक्ष्मण नेपाली के लिए जोरदार तालियां। और आइए बढ़ते हैं आगे, रब बुलाते हैं मुझे जो कि अकल तरह छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आए हैं और जिनका बनियान उनके कोट से बाहर झांकने को बेताब है। तो छुपाओ बनियान और दिखाओ अपनी शान, आ रहे हैं बंशी देव मिश्रा। वाह भाई वाह, के इस मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। इन खूबसूरत लड़के लड़कियों को देखकर मुझे घटना याद आती है भैया। खूबसूरत इसलिए भैया कि मैं भी शामिल हूँ उसमें। दुनिया में दो ही लोग खूबसूरत हैं, एक ऐश्वर्या राय, दूसरा बंशीधर मिश्रा। और हमारे टक्कर का नहीं है कोई तीसरा। वाह। गार्डन में इसके पास बच्चन है, इसके पास बोल बच्चन है। हाँ वंशीधर। गार्डन में दो प्रेमी प्रेमिका बैठे हैं। तो तू क्या करने गया वहाँ? अब भैया किसी को बताना मत, वो प्रेमी मैं हूँ। ओए होए, ओए होए, वाह। तो प्रेमी ने भावुक होकर अपनी प्रेमिका से कहा कि प्रिय, शादी के बाद तुम मुझसे क्या आशा करती हो, क्या आकांक्षा करती हो? तो आजकल की लड़कियां देखिए भैया क्या चाहती है अपने पति से शादी के बाद। जी। कि आधुनिक प्रेमिका ने मॉडर्न प्रेमी से कहा, आधुनिक प्रेमिका ने मॉडर्न प्रेमी से कहा, प्रेम प्रीत प्यार अनुराग देना मुझे, जब बन जाऊं मैं तुम्हारी श्रीमती जी, जब बन जाऊं मैं तुम्हारी श्रीमती जी, रुपये पैसे गहने पे हिसाब देना मुझे, एक फूल भी घर मांगू मैं तुमसे, कदमों में ला के सारा बाग देना मुझे, और जब जी मेरा भर जाए तुमसे तो जैसे ही कहूं सनम तलाक देना मुझे। अच्छा भैया, तो प्रेमी भी कम सयाना नहीं था, वो भी आधुनिक युग का प्रेमी। उसने कहा अच्छा ये बात है, तो उसने भी जवाब दिया, बोला ए मेरी छल छबीली नखरीली खर्चीली, ए मेरी छल छबीली नखरीली खर्चीली, दिल की डीपी में तुझे सजाना चाहता हूँ मैं, तू ही हर पार्ट में है, किडनी जिगर हार्ट में है, चीर के प्रोफाइल दिखाना चाहता हूँ मैं, तुझसे है खूब प्यार बेपनाह बेसुमार, आज तुझसे मैं जताना चाहता हूँ मैं,
और जब तक ढंग की कोई मिल नहीं जाती मुझे, तुझे से ही काम तो चलाना चाहता हूँ। एक हास्य व्यंग की कविता आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। कहाँ रखोगे, मतलब एरिया में किधर? इधर मतलब एरिया तलाश लो, किधर रखनी, किधर है? सबके दिलों में रखना। आए हाय, आए हाय, वाह वाह। शैलेश भैया, हर इंसान को एक घमंड है, भरम है, वहम है कि वो दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण आदमी, हर इंसान सोचता है, और उसको ऐसे लगता है कि जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा तो उसके बिना घर का, मोहल्ले का, देश दुनिया का काम अटक जाएगा। हर आदमी इसी भ्रम में जीता है। एक रचना इसी के ऊपर। एक बार रात को मैं मर गया। अच्छा, मैं मरा, सब हंस रहे, यही कलयुग है भैया, पोस्टर में, सपने में। एक बार रात को मैं मर गया, जैसे सब डरते हैं वैसे डर गया। देखा तो दरवाजे पे यमराज खड़े थे, मस्त अपने भैंसा ऊपर चढ़े थे और मुझे आवाज लगा रहे थे, जल्दी आ यार, मुझे भी बहुत काम है, मेरे लिस्ट में भी और कई लोगों का नाम है। जल्दी यार, मुझे बहुत काम है, मेरे लिस्ट में भी और कई लोगों का नाम है। मैंने कहा, यमराज जी अपना लिस्ट दिखाइए, किसका किसका नाम है बताइए। तो उन्होंने कहा, सांची से लक्ष्मण नेपाली, पटना से अमनदीप, खैर इनको बैक डेट पे ले जाऊंगा कल, फिलहाल तू मेरे साथ चल। मैंने कहा, यमराज जी थोड़े मुझे देखने दीजिए, मेरे मरने के बाद घर में क्या हो रहा है। पर तुमने दो नाम लिए, मोनिका को छोड़ दिया, यमराज भी डर गए क्या? नहीं भैया, क्या है, मैं उसी कारण तो जिंदा हूँ। अरे अरे हाय हाय, क्या बात है, है? इश्क, उसी के कारण तो जिंदा हूँ। नाम है उसका मोनिका हटीला, चप्पल मारेगी कटीला। खैर इनको बैक डेट पे ले जाऊंगा कल। मैंने कहा, यमराज जी मुझे देखने दीजिए, मेरे मरने के बाद घर में क्या हो रहा है, कौन कितना दुखी है, कौन कितना रो रहा है। तो यमराज ने कहा, मत देख, ये कलयुग है कि यहाँ कोई नहीं रोता, किसी के मरने से कोई दुखी नहीं होता। मैं बोला, चुप यार, तू जानता नहीं मेरा कितना बड़ा इमेज है, मेरा अमिताभ बच्चन जैसे क्रेज है। मेरे मरने से मच गया होगा कोहराम, दिल्ली हो चाहे आसाम। यमराज ने कहा, ज्यादा मत फेंक, जो देखना है चुपचाप देख। यमराज ने कहा, ज्यादा मत फेंक, जो देखना है चुपचाप देख। देखा तो घर में कोई नहीं रो रहा था, देखा तो घर में कोई नहीं रो रहा था, मेरा भाई कंबल ओढ़ के सो रहा था, मेरी पत्नी अनुकंपा नियुक्ति फार्म भर रही थी। वाह वाह, मेरी पत्नी नियुक्ति, मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता हो, सरकारी नौकरी में यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसे सरकार मृत्यु के बाद परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देती है, अनुकंपा पर, कंपैशनेट ग्राउंड्स पर, जिसे कहा जाता है अनुकंपा नियुक्ति। जी, मेरी पत्नी अनुकंपा नियुक्ति फार्म भर रही थी, मेरी बच्ची मेरी कविता कहानी रद्दीक बोरम धर रही थी, मोहल्ले के लड़की लड़का मेरे लाश के साथ सेल्फी ले रहे थे। मोहल्ले के लड़की लड़का मेरे लाश के साथ सेल्फी ले रहे थे, और मेरे भूखड़ दोस्त मेरे मरने के बाद खाने पीने का बहाना खोज रहे थे, लखन टाइप लोग। मेरे भूखड़ दोस्त मेरे मरने के बाद खाने पीने का बहाना खोज रहे थे, और इसकी 13वीं किसी 5-स्टार होटल में करेंगे सोच रहे थे। मेरे मरने से ज्यादा प्रॉब्लम मेरे अर्थी उठाने के समय आने लगा, और मेरी अर्थी उठाने के लिए मोहल्ला का हर आदमी आलसी बन के कतराने लगा। सरपंच ने सलाह दी, जेसीबी बुला के इसका लाश मरे कुत्ते जैसे फेंकवा दो। एक बुजुर्ग ने कहा, बढ़ाई बुला के टुकड़े टुकड़े करवा दो। मेरा दोस्त बोला, मरघट दूर है, तालाब के पास जला दो। एक बुढ़िया दाई बोली कि यही घूरे में गड़ा दो। अपनी लाश की दुर्गति देख मैं शर्मिंदा हो गया, हड़बड़ा के उठा खाट पे, फिर जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। वाह वाह, खैर बहुत बढ़िया बंसीधर मिश्रा, बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल एक सही मनोविज्ञान की कविता पढ़ी कि मृत्यु के बाद जो है सचमुच जो बहुत थोड़े से लोग हैं जो आपको याद करते हैं, वरना किसी ने बहुत ठीक कहा है कि आप किसी बाल्टी में से जल निकालिए तो एक सेकंड में पता ही नहीं चलता कि वहाँ से जल निकला, वो स्थान भर जाता है। दुनिया का भी यही हाल है, लोग चले जाते हैं और वो स्थान भर जाता है, कोई किसी को नहीं पूछता है, लेकिन वहाँ इन संवेदनाओं में, तुम सही कह रहे हो, लोग सेल्फी लेने में, हमारी संवेदनाएं मर गई है,
किसी की मृत्यु जो है वो हमारे लिए दुख का विषय नहीं रही, वो सिर्फ एक इवेंट होके रह गया है। और मैं कल तो एक अखबार में पढ़ रहा था कि ऐसी सर्विसेज खुल गई हैं जो अंतिम संस्कार भी पूरा लकड़ी से लेके वहां तक ले जाने तक सारा इंतजाम करती है। मतलब लोग इतने व्यस्त हो गए कि अपनों को नहीं ले जा सके। तुम सही कह रहे हो, इसको ऐसे ले जाओ वैसे ले जाओ। तो एक आदमी था बेचारा, वो लेटा मर गया, उसके चार बेटे थे। अब वो मर गया तो अब कैसे ले जाए, दूर था थोड़ा सा। अब ये जो भाई साहब मरे, वो सारी जिंदगी पैसा बचाते हुए मरे थे लेकिन मर गए। अब जो चार बेटे थे, चारों खड़े थे, तो एक ने कहा एक काम करो पिताजी को है ना एम्बुलेंस मंगा लेते हैं, तो एम्बुलेंस से हम ले जाएंगे, अब वो ठीक रहेगा, मगर थोड़ा बहुत पैसा लगेगा लेकिन ले जाएंगे। दूसरा बोला नहीं, घर में कार पड़ी है उसमें से ले जाते हैं, कार में ले जाएंगे। तीसरा बोला नहीं, कार में पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है तो हम क्या करते हैं रिक्शा में ले जाते हैं, रिक्शा ज़रा ठीक रहेगा। चौथा वाला रिक्शा में ले जाने की क्या जरूरत है, हम चार बेटे हैं ना, हम कुछ ना कुछ करते हैं, आठ को और बुला लेते हैं, और हमारे पड़ोस में एक गाड़ी है मतलब बैलगाड़ी, उसमें से बैठा के ले जाते हैं। अब इतने में उसने आंखें खोल दी, बोले एक काम करो तुम मेरी छड़ी और टोपी लाओ, मैं पैदल निकल लूंगा। मतलब जो निकल गया उसके बाद भी उसको निकालने में दिक्कत हो रही है, ये हमारी जिंदगी हो गई है। मृत्यु हमारे लिए संवेदना का विषय नहीं रहा, लेकिन जीवन में संवेदनाएं बची रहनी चाहिए। और कविताएं आपके भीतर की संवेदनाओं को जिंदा रखती है, कविताएं आपके भीतर के हृदय के द्वार खोलती है, कविताएं भीतर स्पंदन पैदा करती है, कविताएं कहीं आपके भीतर मनुष्यत्व बचाती है, कविताएं आपको इंसान होना सिखाती है। आज का जो हमारा मेगा एपिसोड है कमाल का है भाई, बंशीधर मिश्रा, लक्ष्मण नेपाली, अमनदीप सिंह और मोनिका हटीला, चारों जो हैं बड़े उपस्थित हैं हमारे बीच में और कमाल कर रहे हैं और कमाल करते रहेंगे। और जीवन में कमाल तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर जीवन में दो ही चीजों की जरूरत है, कमाल और माल, अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर बुरा हो जाता है हाल। लेकिन हाल बुरा नहीं होना चाहिए जीवन में, ये हाल बड़ा अच्छा रहना चाहिए। और अच्छे हाल के लिए मैं एक ऐसे युवा कवि को आपके बीच में बुलाता हूं जो यूं तो गजलें कहता है लेकिन अलग अंदाज की कहता है, और उसका अंदाज थोड़ा नया है, उसका मुहावरा नया है, उसकी भाषा नहीं है, उसके सब्जेक्ट्स नए हैं। अमनदीप सिंह, जोरदार तालियों के साथ। चलिए आखिरकार हम आ ही गए हैं, देखो तो बताइए, बहुत लंबा इंतजार रहा। तो नमस्कार सभी को, शैलेश जी, मुझे लगता है कि वाह भाई वाह के मंच पे बहुत कुछ पढ़ा जा चुका है अभी तक, पर एक ऐसा टॉपिक जो कि अनछुआ रहा है वो है हॉस्टल डेज और उसमें रहने वाले हमारे यार दोस्त। है ना, है ना? मुझे लगता है मेरे साथ साथ आज आप सबको मजा आने वाला है। एक बस एक चीज ध्यान रखना अमन जी, हॉस्टल डेज की जो बातें सुना रहे हो ना, बस लैंग्वेज वो मत रखना। जी जी जी, मैं बिल्कुल समझ गया जी। तो शैलेश जी का आदेश मानते हुए, लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखते हुए, नहीं वो वाली बोलना ही मत। अच्छा चलिए, मैं भूल ही गया वो वाली लैंग्वेज के बारे में। तो भूल तो बेटा लैंग्वेज वो जिंदगी बन नहीं सकता तू। जो हमारे दोस्त हमसे बोलते हैं वो भाषा हम कैसे भूल जाए, है ना? चलिए ठीक है, अब मैं सीधा शुरू ही कर देता हूँ कि छोड़ जाए अगर कोई तो रो देते हैं ये यार दोस्त। आय हाय, आय हाय, ठीक बात है कि नहीं? कि छोड़ जाए अगर कोई तो रो देते हैं, तो रो देते हैं ये यार दोस्त, वगर ना पूरी कायनात के बाप है मेरे यार दोस्त। हाय, वाह, क्या बात है यार। कि छोड़ जाए अगर कोई तो रो देते हैं ये यार दोस्त, वगर ना पूरी कायनात के, वगर ना पूरी कायनात के बाप है मेरे यार दोस्त। और एक रोज ले ही लेते हैं बंगला गाड़ी सोना सब, कि एक रोज ले ही लेते हैं बंगला गाड़ी सोना सब, गोवा जाने की परमिशन नहीं ले पाते यार दोस्त। पूरी कॉलेज लाइफ की सबसे बड़ी दुविधा कि एक रोज ले ही लेते हैं बंगला गाड़ी सोना सब, गोवा जाने की परमिशन नहीं ले पाते यार दोस्त, और हफ्ते के बाकी दिन दफ्तर बिखरा रहता गद्दे पर। कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम में यही हुआ है हम सबके साथ, कि हफ्ते के बाकी दिन दफ्तर बिखरा रहता गद्दे पर, हफ्ते के आखिर दिन दारू और सुनहरे यार दोस्त। दारू
और सुनहरे यार दोस्त और अना की खातिर तोड़ सभी की हड्डी पसली एक करें। अना स्वाभिमान ईगो जी के अना की खातिर तोड़ सभी की हड्डी पसली एक करें। बाल आंख का टूट जाए तो दुआ मांगते यार दोस्त। हाय हाय, अरे वाह, अरे बढ़िया शेर है यार अमन। अरे वाह, क्या बात है यार, वाह। अना की खातिर तोड़ सभी की हड्डी पसली एक करें। बाल आंख का टूट जाए तो दुआ मांगते यार दोस्त। और बोल रहे हैं गाड़ी तेरा भाई आज चलाएगा। अच्छा कब बोलते हैं ये सबको पता है? कब बोलते हैं ये सबको पता है? हाँ। कि बोल रहे हैं, वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा, तेरा भाई चलाएगा। बिल्कुल निजी तजुर्बा है सर, तेरा भाई चलाएगा। बोल रहे हैं गाड़ी तेरा भाई आज चलाएगा। किसकी मौत आई है रब जाने या जाने यार दोस्त। किसकी मौत आई है रब जाने या जाने यार दोस्त। और सारी क्लासेस में वो सबसे पीछे जाकर बैठ गए। हाय हाय, सारी क्लासेस में वो सबसे पीछे जाकर बैठ गए। मेरे लिए जब जा देनी थी आगे आए यार दोस्त। आए, 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 वा, मेरे लिए वाह अमन, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत। मोनिका तुमने अपनी जगह क्यों बदल ली? क्या किया इसने? इनसे डर लगता है मुझे। मुझे लगा था कि शायद स्वर्ग में इन्हें जगह मिल जाएगी, पर आपने इन्हें मेरे पास बिठा दिया। अब शैलेश भी आपको पता है ना कि डर कब लगता है? कब? जब प्यार हो जाता है तब। हाँ मोनिका, मोनिका कुछ कहो। ये कह रहे हैं जब प्यार होता है तब डर लगता है, पर कहा तो ये गया है कि प्यार किया तो डरना क्या? नहीं ऐसा नहीं है, किसी शादीशुदा से प्यार हो जाए तो बहुत डर लगता है। ऐसा है शैलेश जी कि ना इशारा किया ना ही आवाज दी। कहा ना इशारा किया ना ही आवाज दी। कोई खुद चल के आए तो मैं क्या करूं, कोई खुद चल के आए तो मैं क्या करूं, कोई खुद चल के आए। ये बहुत बढ़िया बात है, शर्म करो बंसीधर थोड़ी। क्या तरीका है, इनको थोड़ा समझाना जरूरी है। भाई कमाल कर दिया आज इन लोगों ने, लक्ष्मण नेपाली, अमनदीप सिंह, बंसीधर मिश्रा, हमने सबको सुना। और अब बारी है उसकी जो यूं तो मूलतः सीहोर मध्य प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन इन दोनों भुज गुजरात में रहती है और कमाल का लिखती है। मैं मोनिका को बहुत बरसों से जानता हूं, बहुत बरसों पहले मोनिका को मैंने पहली बार कहीं सुना था और तो मुझे लगा था कि इनमें प्रतिभा है और उस प्रतिभा को टेलीविजन पर आना चाहिए। और आज पहली बार वो टेलीविजन पर आ रही है, और जब पहली बार को टेलीविजन पर आए तो उसके मन में बेहद प्रसन्नता होगी और हमारे पास बहुत प्रोत्साहन होना चाहिए। मोनिका हटेला, जोरदार तालियों का। धन्यवाद शैलेश जी। प्यार मोहब्बत की बात करना चाहती हूँ, मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, दिल की बात करना चाहती हूँ, सुनेगा। तेरा मिलना मेरा मिलना जमाने को खटकता है। हाय 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 हाय, क्या बात। तेरा मरी
सुनेगा गजल देती हूँ। जिंदगी एक कहानी हुई, जिंदगी एक कहानी हुई, जिंदगी एक कहानी हुई, जिंदगी एक कहानी हुई, शैले जी जिंदगी एक कहानी हुई, आपकी मेहरबानी हुई, जिंदगी एक कहानी हुई, जिंदगी एक कहानी हुई, जिंदगी एक कहानी हुई, आपकी मेहरबानी हुई, आपकी मेहरबानी हुई। और महक को देखते हुए शेर सुनेगा, तौबा तो आए में शर्मिया, तौबा तो आए में शर्मिया, शर्म भी पानी पानी हुई, शर्म भी पानी पानी हुई, कृष्ण का रूप है बांसुरी, कृष्ण का रूप है बांसुरी, जिसकी मीरा दीवानी हुई, जिसकी मीरा दीवानी हुई, जिंदगी एक कहानी हुई, रंग गजलों में भरने लगा, रंग गजलों में भरने लगा, पीर जब से सुहानी हुई, क्या बात है, हाय हाय, पीर जब से सुहानी हुई, जिंदगी एक कहानी हुई, मीरों का लिप्त घर खेल गए, खेल गए मीरों का लिप्त घर, ये गजल रात रानी हुई, क्या बात है, एक बार तो धो दे मुझे, एक बार तो धो दे मुझे, जींस इतनी पुरानी हुई, आजकल के युवा धोते ही नहीं है जींस, जब खरीदते हैं बस उसके बाद जब त्यागते भी नहीं है, एक
नया शब्द ला रहा हूँ हिंदी में, उनसे त्यागवाई जाती है, त्यागना पड़ेगा उसे। आज ये कमाल का एपिसोड हो रहा है, मजा के वैसे रोजी कमाल के होते हैं, लेकिन जब नए लोग आते हैं ना तो नई ऊर्जा लेके आते हैं, और हमारा जो ये पुराना सेगमेंट है वो आज नई ऊर्जा देगा, जिसका नाम है कहानी थोड़ी इल्मी है। अरे सेंट्रल जेल कौन बार आ रहा है? राण साहब, आहा क्या बात थी, अमर अकबर एंथनी में एक डायलॉग बोलते हैं, हैं? वे खतरनाक डायलॉग था इनका, मुझे याद है, बाप की दी हुई पिस्तौल याद है लेकिन पिस्तौल देने वाला बाप याद नहीं है। क्या बात है प्राण साहब, वाह। मुझे इस पे तहजीब हाफी का एक शेर याद आता है। जी जी जी, तहजीब हाफी पाकिस्तान के एक शायर हैं, उनके जो शेर जी, उनका एक शेर है कि मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता, और कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे रहने पे नाराज हो, कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे रहने पे नाराज हो, जेल में तेरी तस्वीर होती तो हंस कर सजा काटता। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या आशिक भी कमाल के होते हैं ना, जेल में तेरी तस्वीर होती तो हंस के काटता है, पर एक तरफ लिखते हैं जो बात तुझमें है वो तेरी तस्वीर में नहीं है ना, कहीं एक जगह कुछ रखो तो सही यार, समझ में नहीं आ रहा, इश्क में आदमी थोड़ा सा। अगला दृश्य, अरे राज बब्बर साहब और रीना रॉय जी, थोड़ी नाराजगी थोड़ा गुस्सा थोड़ी मनुहार थोड़ा प्यार, ओहो थोड़ी धमकी, आय हाय, जब पकड़ के हाथ रोका है राज बब्बर साहब ने। हाँ मोनिका, तुम्हें कुछ याद आया? ये देखकर एक बात याद आ रही है, मैंने एक गजल लिखी थी कई सालों पहले, इस तरह से हमें ना सताया करो, इस तरह से हमें ना सताया करो, इस तरह से हमें ना सताया करो, रोज ख्वाबों में तुम यूं ना, इसमें मुझे मेरी बड़ी प्रिय शायरा हैं, बड़ी बहन अंजुम रहबर, और उस जमीन जो उन्होंने कहा था शेर, ये धुन जो है बड़ी मशहूर है, और उन्होंने इस तरनुम में शेर कहे थे, इस गज़ल का मतलब तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कहती हैं इस गज़ल में आगे कि दिल ये दिल नहीं है मेरा, घर है आपका, रोज आया करो रोज जाया करो, रोज आया करो रोज जाया करो, अगला शेर जो कहती है, कहीं प्यार तो मत छुपाया करो, हमसे मिलने भूले आम आया करो, अंजुम का जो शेर मुझे बड़ा पसंद है, वो कहती हैं कि भारतीय नारी की जो पीड़ा है जो कष्ट है वो एक शेर में वो कहती हैं कि प्यार करना न करना लगे बात है, कम से कम वक्त पर घर तो आया करो, कम से कम वक्त पर घर तो आया करो, ठीक वक्त पे कल 9:30 बजे आइएगा जरूर, क्योंकि मैं यही होगा, कहूंगा वाह भाई वाह।